हे गाइस, तो फाइनली वन प्लस का ओपन फोल्ड लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू कर देते हैं। अगर इसका इन हैंड फील की बात करें तो काफी अच्छा देखने को मिलता है और इसका कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा है और इसके पीछे में बेगन लेदर फिनिश देखने को मिलता है। पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है और यूएसबी टाइप सी पोर्ट है और अनदर स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है और राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम बटन और एलर्ट स्लाइडर। अगर डिस्प्ले की बात करें तो आउटर डिस्प्ले है 6.3 इंच का 120Hz एमोलेड डिस्प्ले और डॉल्बी सपोर्ट है और 2K डिस्प्ले देखने को मिलता है अंदर और बाहर। और इनर डिस्प्ले की बात करें तो 7.8 इंच का 2K डिस्प्ले है और इसका ब्राइटनेस 2800 पीक निट्स ब्राइटनेस है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर रहता है और 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज देखने को मिलता है और इसमें 4805 mAh की बैटरी और 67W का सुपर वॉक चार्जर देखने को मिलता है और इसका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी तगड़ा है। नॉर्मल, हाई और मीडियम में खेल सकते हैं और इसका अंतुत स्कोर 1.5 मिलियन प्लस आता है जो काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो 19 5G बैंड है, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.3 है, डुअल 4G वोल्टी है और NFC है। कनेक्टिविटी तो काफी अच्छा देखने को मिलता है और इसमें साइड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। अगर कैमरा की बात करूं तो इसमें 5 कैमरा आता है जिसमें रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का और 64 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस के साथ आता है और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और एक 20 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा तो काफी फाड़ू निकल के आता है। तो कैसा लगा क्विक रिव्यू? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ इस तरह वीडियो आपको